आतंकवादी चाहे कहीं का भी हो, लेकिन हमारे देश का सीना बल उनको नाको चने चबवा देता है। जी हाँ, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में भारतीय जवानों के बीच बड़ी सफलता लगी है। दरअसल बात ऐसी है कि जम्मू कश्मीर भारतीय बल और पुलिस कर्मियों ने एक ऑपरेशन चलाया राजौरी झील के कालाकोट इलाके में, जहां एक आतंकी ठिकाने से सुरक्षा बल ने मिट्टी में मिला दिया। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ठिकाने का भांडा फूट गया और कैसे सफलता मिली और क्या क्या उस ठिकाने से हथियार बरामद हुए। तो बात कुछ ऐसी है कि गुप्त सूचना के आधार पर भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल यूनिट के साथ स्थानीय पुलिस ने अचानक रात में संयुक्त ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन सफल रहा, जिसमें कालाकोट में एक एक राइफल और अन्य गोला बारूद बरामद हुए। सुरक्षा बलों ने एक 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 47 राइफल, 40 गोलियां और एक पिस्तौल बरामद की। एक पिस्तौल के साथ 31 गोलियां भी बरामद की गईं, तो वहीं 2 किलो IED के साथ अन्य सामान भी बरामद अब कर लिया गया और अपने कब्जे में ले लिया गया। अपने कब्जे में लिया गया सामान के बाद सुरक्षा बलों को कालाकोट में आतंकी गतिविधियों की सूचना मिली और फिर क्या था, सुरक्षा बलों ने रातों रात तत्काल ऑपरेशन किया। इसके बाद हथियार बनाने और उसकी जगह पर रिसर्च ऑपरेशन के लिए की गई सुरक्षा बंधन में हथियारों को बरामद करने के बाद अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। ऑपरेशन के और बेहतर बनाने के लिए जवानों को ना सिर्फ अपने फौजी कुत्तों की मदद लेनी पड़ी, बल्कि ब्लैक ड्रोन की भी प्रयोग किया गया ताकि आतंकवादियों को भाग कर पकड़ा जाए। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुंछ जिले में पाकिस्तान के लिए काम करने वाले हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी की सेना ने जिंदा पकड़ लिया गया। इस आतंकी की सेना की राष्ट्रीय राइफल की रोइमो फोर्स ने पकड़ा, तो उसने पूरी पोल पट्टी खोल दी। जिस तरह से खूंखार आतंकी पकड़ा गया, इस सेना के लिए बहुत गर्व की बात है। और अब देखना यह है, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े आतंकियों को शह देता था, अब वो मुँह छुपा कर कहाँ बैठा है। अब इस मामले में आगे जानकारी हासिल की जा सके, अब इस मामले में आगे जांच भी की जा सके, इससे आगे और ज़्यादा जानकारी हासिल हो। और आतंकी के पास एक पिस्तौल बरामद हुई, जिसके साथ एक पाकिस्तान का वाइट ऐप नंबर भी मिला, जिसे पड़ोसी मुल्क में बैठे आतंकी उससे और खौफनाक आतंक फैलाने के टास्क दिया करते थे। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।